फोटो ढूंढ रही हूँ मैं। नमस्ते दर्शकों, कल डॉक्टर नहीं आने की वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई कुछ भी हॉस्पिटल के बारे में। तो कल पैदल गई थी, आज ऑटो लेके जा रही हूँ 50 रुपए का यहाँ से। इसे सेम जगह आ गई जहाँ कल लाई थी, लेकिन मैं नहीं गई। अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मुझे दिखाना ही पड़ेगा अरुणाचल जाने से पहले। लेकिन प्लीज तुम लोग कब आ स्लिप? दिस इज इनसाइड द हॉस्पिटल, इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं जब से दिल्ली आई हूँ तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मुंह पे एकदम दाना हो रखा है और कान से भी कुछ पानी आ रहा है, येलो येलो सा। और पता नहीं इतना स्मेल ही है ये, इसी का इलाज कराने में यहाँ पे आए। एंड एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फ्री। कल मैंने आपको स्कैनर दिखाया था ना, उस स्कैनर पे खुद को रजिस्टर करने के बाद वो लोग आपको मोबाइल के ऐप में एक टोकन देंगे, उस टोकन से आपको अपना पर्ची ले लेना है। इसके बाद उसी रूम नंबर में बाहर आपको वेट करना है। अंदर जब डॉक्टर को दिखाया लिप्स का, तो ऐसे उसको सवाल किया कि ड्रिंक अल्कोहल या टबैको यूज़ करते हो, या हो सकता है किसी प्रोडक्ट जो हम लिप्स पे लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं तो हो सकता है उसका रिएक्शन हो। तो मैंने उनको अच्छे से बताया कि नहीं, टबैको ड्रिंक वगैरह तो मैं नहीं करती। और अगर लिपस्टिक की बात करें तो लिपस्टिक भी मैं जो लिपा में वो वैसे ही लगाती हूँ, आईटॉल पे डॉक्टर की वैसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये सेट की वैसे इज गुड। और अगर एक प्रोडक्ट ही मैं यूज़ करती हूँ अपने लिप पे, वो है मैरीडिन का, जो कि मैं 3 सालों से यूज़ करते आ रही हूँ। अगर उसका रिएक्शन होने का तो पहले से ही हो जाता, तो वही उसी बेसिस पे दवाई वगैरह लिख के दिया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको दवाई भी यहाँ से फ्री में मिल जाता है। बट बहुत बारी ऐसा भी होता है कि आपको अगर चार दवाई लिख के दी हो तो उसमें से बस एक ही यहाँ पे अवेलेबल होता है और चार बाहर से लेना पड़ता है। बट कभी कभी सारे के सारे भी यहाँ से मिल जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और आगे अभी दवाई लेने चलते हैं। ये मैंने अभी इसमें मुझे 356 रुपीज़ लगा है इस टैबलेट को। बाहर हॉस्पिटल के बाहर ही एक प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ से हमने लिया इसको। तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इस हॉस्पिटल में, क्योंकि सारे दवाइयाँ फ्री है और उसमें से मुझे बस एक ही दवाई मिला और बाकी के चार पांच मुझे बाहर क्लिनिक से ख़रीदना पड़ रहा है। मतलब अगर गवर्नमेंट पूरा दवाई फ्री में दे ही रही है तो चारों के चारों मिलने चाहिए, क्योंकि बाहर उसके जस्ट कंपाउंड चरकपालिका के हॉस्पिटल के कंपाउंड के अंदर ही, उस अंदर में ही एक प्राइवेट क्लिनिक है जिसमें सारे दवाई मिल रहे हैं, फिर हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिल सकते? समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, तो आई थी मैं 50 रुपये ऑटो लेके, बट 350 दवाई में चले गए, मेरे पास पैसे नहीं है और तो पैदल ही घर वापस जाऊंगी। और ना मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि लाइफ में छोटे मोटे बीमारियां जब होते हैं ना, जैसे पेट दर्द होना,
कभी कभी हेडेक होना, जो घर में ठीक हो जाता है उससे इतना टेंशन नहीं होता मुझे, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। मतलब जब ऐसे बीमारी होता है जो हम नहीं जानते और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल के पैसे भी भरने पड़ते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। क्योंकि अभी भी हर चीज़, हॉस्पिटल जाना हो या कहीं भी करना हो, सब मेरे मौसी के या तो मम्मी के ही पैसे जाते हैं, तो इसलिए बहुत बुरा लगता है। इसलिए कोशिश कर रही हूँ, डेली ब्लॉग बना रही हूँ कि एक ना एक दिन मेरा चैनल भी ग्रो करेगा अच्छे से, और इस चैनल से इनकम आएंगे, और इस इनकम से मैं अपने मम्मी पापा को भी कुछ दे पाऊँ, और इन केस इन फ्यूचर अगर मेरे घर में किसी की बीमारी हो गई तो उनके लिए भी मैं पैसे भर पाऊँ। कोशिश तो यही है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमारे ऐसी मान्यता है कि अगर आपके यहाँ पे हवा नहीं चल रही तो आप सीटी बजाओ, विजिल करो। ऐसे विजिल करने पे हवा आती है, एक दिन यार सीटी भी अच्छे से नहीं आ रहा। इतनी गर्मी है, लक्ष्मी तुम भी सीटी बजाओ। तो आप भी ट्राई करो घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट फैन की हवा खाने के लिए, नेचर की हवा। मैं अभी सो के उठी थी, हॉस्पिटल से आने के बाद सो गई थी क्योंकि आई वॉज़ वेरी टायर्ड, और आई थिंक ये धूप के वजह से या मेरे कान के वजह से मुझे नहीं पता, बट जब से उठी हूँ तब से मेरा ये जो कान है रुई लगा के रखा है वो एकदम भारी भारी सा हो गया है, मतलब मज़ल भी सूझ गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। उस वजह से भी हेडेक हो सकता है, या दिन भर हॉस्पिटल से लेके मेरे यहाँ रूम तक जो पैदल किया ना लगातार दो दिन, क्योंकि कल तो मैं गई थी मगर डॉक्टर था नहीं, इस वजह से आई थिंक सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो आई एम गोइंग टू गो आउट, अभी बज गए हैं शाम के 7 बजे, पर मत सोचना कि 7 बजे तो बहुत रात हो गया है, दिल्ली में 6:30 तक धूप रहता है, इसके बाद अभी ऐसा समय है जिस पे आप मार्केटिंग करने जा सकते, मतलब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। तो लेट्स गो आउट। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, लगता है बारिश हो रही है। ₹30 किलो, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो इसको पुमरुंग बोलते हैं। ओह भैया आप बताओ ये वाला ज्यादा मीठा है कि वो वाला? एक ही टेस्ट है। यहाँ भी है, लुक एट दिस वन इज सो क्यूट।
30 रुपये थोड़ी कम, 1 किलो 100 ग्राम। अभी बस रात का डिनर बनाऊंगी। रात के डिनर में मैं खाऊंगी थोड़ा सा आलू और थोड़ा सा चावल। तो आप लोगों को भी गुड नाइट, लाइक एंड शेयर कर देना। बाय बाय।